चीन के रिसर्च सेक्टर में भगदड़ मची हुई है क्योंकि चीन की वामपंथी सरकार से वहां के वैज्ञानिक इतने दुखी हैं कि वो कैसे भी करके अपनी जान बचाना चाहते हैं। खबर है कि चीन के सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट के करीब 90 परमाणु वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चीन के लिए संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि हालात इतने खराब हैं कि सेंटर को चलाना भी मुश्किल हो गया है। अब जब विवाद बड़ा होने लगा है तो वहां की वामपंथी सरकार अपना गला बचाना चाहती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का इस मामले पर कहना है कि यह ब्रेन ड्रेन का विषय है और इसकी जांच की जाएगी, लेकिन ये मामला ठीक इसके विपरीत है। माना जा रहा है कि इन चीनी वैज्ञानिकों के हाथ कुछ अहम जानकारियां लगी, जिसके बाद उन्होंने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके बाद से ही चीन के हैफी शहर में स्थित आईनेस्ट दुनिया भर में सुर्खियों में है। चीनी मीडिया में वेतनमान में गड़बड़ी और उनको दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं की कमी बड़ी संख्या में हुए इस इस्तीफे की वजह बताई जा रही है, लेकिन इसके पीछे की असल वजह यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस अहम राष्ट्रीय संस्थान पर कब्जा जमाया हुआ है और वो यहां के वैज्ञानिकों से जबरदस्ती काम करवाना चाहते हैं, काम वो भी अपने मन मुताबिक। आईनेस्ट चीन के उन महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है जो अब तक 200 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले चुका है। यहां करीब 600 लोग काम करते हैं, जिसमें 80% शोधकर्ता पीएचडी डिग्री धारक होते हैं। पिछले साल यही संस्थान एक वर्चुअल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने को लेकर चर्चा में था, जिसका मकसद ऐसे केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना था। लेकिन बताया जा रहा है कि हाल ही में इन प्रतिभाशाली लोगों को अपने संस्थान से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली और जून में आईनेस्ट में काम करने वाले लोगों का अपने ही पेरेंटिंग संस्थान से विवाद हुआ। आज नहीं तो कल ये स्थिति चीन में पैदा होनी थी, क्योंकि चीन की तानाशाह सरकार वैज्ञानिकों को अपने गलत मंसूबों की पूर्ति का माध्यम समझती है। इसके पहले भी चीन के वैज्ञानिक अपनी जान बचाने के लिए चीन छोड़कर भाग चुके हैं। कोरोना काल में भी चीन के कई वैज्ञानिकों ने चीन से जुड़े कई राज्य से पर्दा उठाया है, जिससे चीन की किरकिरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।